एस परिवार के प्यारे बच्चे और सुग्न माता पिता मैं जयदेव सोनगरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस कैंपस से और एस कैंपस के गुरुवरीय पूज्य शास्त्री स्वामी माधुप्रिय स्वामी पूज्य बाल स्वामी समर संतगण और परिवार की तरफ से आप सब के लिए मैं शुभकामना करता हूँ और ये शुभकामना करता हूँ कि ये मुश्किल वक्त जल्द चला जाएगा डियर पेरेंट्स एस के प्रिंसिपल टीचर्स और स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपके साथ संपर्क में है और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा व्यस्त रखें खुशहाल रखें आपको भी विनती है कि बच्चों को पढ़ाने की टेंशन मत लो और कोई भी मुश्किल है तो आप मार्गदर्शन के लिए स्कूल को संपर्क कर सकते हो आप बच्चों को व्यस्त रखें खुश रखें तनाव से दूर रखें और इस आपदा की चर्चा बार बार घर में ना करें फिर कल नई सुबह निकलेगी नया सूरज निकलेगा और ये दिन भी बीत जाएंगे मुझे तो महसूस हो रहा है स्वस्थ पर्यावरण रात को चाँद और तारे साफ दिखते हैं स्वयं भगवान राम और स्वयं भगवान कृष्ण हमारे घर रोज अभी प्रस्तुत हो रहे हैं हमें पुराने एल्बम, सीडी, वीसीडी देखने का पूरा वक्त मिल रहा है पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने का मौका मिल रहा है घर में अपनों से बात करने का मौका मिल रहा है यह लिखने का पढ़ने का सोचने का मनोमंथन करने का और अपने आप में झांकने का एक सुनहरा मौका है भारत की सभ्यता में आपदाओं से लड़ने के लिए हमारे में पहले से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है जिसको कहते हैं भगवान जो करे वो सही मुझे हमारे घर में दो ग्रांड किड्स हैं उनको दोपहर संभालने की जिम्मेदारी मिली हुई है और मैं उनसे खुश हूँ आई थिंक दिस इज़ अनफर्गेटेबल टाइम ऑफ माई लाइफ टू बी विथ माई किड्स फॉर सच रेमेंडियस टाइम बच्चों को लेकर कोई भी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दबाव है तनाव है आपको मार्गदर्शन चाहिए तो आप जरूर स्कूल से फोन पर मदद मांगे आपको मदद मिलेगी मार्गदर्शन मिलेगा खुश रहे घर में रहें मास्क पहने दूरी बनाए रखे और संपर्क में रहे अगर हो सके तो इस वक्त संकट से जूझ रहे लोगों को मदद करने के लिए तत्पर रहें इस घड़ी में हम सब साथ हैं हमारे एस के भावुक संत एस संकुल छारोड़ी एस संकुल मैमनगर और राजकोट एस संकुल रिबड़ा से रोज पाँच हज़ार लोगों का भोजन प्रसाद स्वयं बनाते हैं और लोगों को घर घर पहुँचाते हैं हमें भी आपकी शुभकामना चाहिए आप सबकी प्रसन्नता के लिए मेरे पास एक शुभ समाचार है कि हमारे गुरुवरीय पूज्य प्रिय स्वामी रोज रात को आठ से नौ बजे तक सदविद्या टीवी चैनल पर यूट्यूब परिवार एस पर और फेसबुक पर लाइव सत्संग के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं और उनका हर शब्द हमारे लिए अमृत वाणी बनकर बरस रहा है जिससे हमें शाता मिलती है प्रसन्नता होती है और मन चित्त भगवान में लग लगता है आप सबके ऊपर जुड़ने के लिए मेरी बेनती है मैंने आज सुबह कुछ पंक्तियाँ लिखी है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा नया सूरज कल निकलेगा माना कि हम घरों में बंद हैं ये वक्त कब जाएगा यही तो प्रकृति का प्रबंध है नया सूरज कल आएगा पल पल तपना तड़पना ये वक्त कब बिखरेगा यही तो सत्य है तपने से सोना फिर निखरेगा आपदाएं आती है जाती है मनुष्य वही खड़ा है बड़ी समस्याएं नहीं है मनोबल सबसे बड़ा है हम गुजराती न चांद पर जाते हैं न सरहद पर जा पाते हैं मगर मनुष्यता के हर प्रकल्प पर हम लोग सबसे पहले नज़र आते हैं हम न कभी भूकंप से डरे हैं न कभी मंदी की सुनामी से हम डरे हैं सिर्फ भगवान से इसलिए सदियों से हम देश में सबसे अव्वल खड़े हैं पता है मुझे बाजार में तेज़ी फिर आएगी सुनहरा सवेरा भी आएगा मगर अपनों के साथ जीने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा आएगी फिर मौसम बसंत बहार फिर उठेगी बच्चों की किलकारियाँ मगर मानवता की कसोटी करने वाला ये पल फिर नहीं आएगा देश तो बचेगा मरेगी महामारी मरेगा आतंक जरूर एक दिन दोस्तों आज हमारी सेवा में जो व्यस्त है डॉक्टर और पुलिस उनकी प्रशंसा करने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा फिर कभी नहीं आएगा Jai Hind, Jai Swaminarayan. So nice of you talking with you. Very comfortable.